अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ स्पेशल वाला कुकिंग आप लोगों के नहीं है। आज हमारी पार्टी टाइम का आज हमारा मूड है संडे पार्टी मनाना, तो हम लोग शाम को पार्टी करने वाले हमारे घर में। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग भी जब कभी घर में पार्टी करो तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। तो इसीलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ कि आज मेरी पार्टी में पार्टी मीन्स मेरे दो बच्चे, मैं और शायद मेरी बहन के बच्चे कोई आ जावे, तो ये घर की गेट टुगेदर टाइप की पार्टी है छोटी सी। इसीलिए मेरा सामान भी थोड़ा सा ही है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आज की पार्टी में मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। इसके बाद कुछ और शाम के लिए अरेंजमेंट है तो वो भी मैं ऐड करूँगी। फिलहाल अभी जो मैं कर रही हूँ वो आपको मैं दिखाऊँगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी ये चिकन लेने वाली हूँ मैरिनेट करने, क्योंकि मुझे इसको शाम को ग्रिल करना है। और आप देखिए एकदम स्मॉल पीस है, जो हम लोग तंदूरी चिकन खाते हैं उसी के पीसेस है। ये टेस्ट भी बहुत लगते हैं और जल्दी से ये पक भी जाते हैं। एक तो मैं अभी आपको ये मैरिनेट करके दिखाऊंगी। इसके अंदर पड़ने वाला ये सारा मसाला है, ये देखिए, ये धनिया पाउडर, हाँ घर का गरम मसाला, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली, और इसके साथ में मैं ये कलर ऐड करने वाली हूँ। और इसी के साथ में दही, ये देखिए दही को मैंने पानी निकलने के लिए ऑलरेडी डाल कर रख दी, मुझे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए दही में, तो मैंने दही ये वाली यूज़ करी हूँ, गोवर्धन दही, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट देने के लिए पैरी पैरी मसाला यूज़ करने वाली हूँ मैं। तो मैं आपको ये मैरिनेट करके दिखाऊँगी। और सेकेंड वाला अमीन भाई नहीं खाते हैं, तो अमीन भाई के लिए ये बन रहा है वेज पनीर और लंबे लंबे कट किए हुए ऑनियन, और इसके साथ स्पेशल ये चटनी पड़ने वाली है। तो ये चटनी मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके अंदर पड़े हैं पीनट्स मतलब सिंगदाना, मिर्ची, ग्रीन चिली, गार्लिक, और इसके अंदर पड़ा है दही और सॉल्ट। ये सारे चीज़ें ऐड करके मैंने ये चटनी बनाई हूँ, और इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं है। पीनट्स थोड़ी सी है तो वो चलेगा, क्योंकि मेरा बेटा डाइट करता है। तो ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से ये स्नैक्स बनाऊँगी। और दूसरा स्नैक्स है ये मेरा कलेजी और पोठा, ये स्पेशल बनने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत ड्राई वाला सॉटे करके जो खाते हैं मुझे बहुत पसंद है ये, तो ये मैं सॉटे करने वाली हूँ। और ये वाला चिकन जो है ये मेरे जिमी, मीनू और लिली, ये इनके लिए बॉयल होने वाला है। तो ये जिमी, क्योंकि हम पार्टी करेंगे तो हमारे बच्चे भी तो पार्टी करने चाहिए ना, तो ये मेरे बच्चों के लिए। चलिए अब मैं मैरिनेट करना शुरू करती हूँ। मैंने आपको सारे मसाले बताए, अदरक लहसुन तो सबको पता है कि ये सब की जान होती है, तो अदरक लहसुन सबसे पहले आप घर का बना हुआ अदरक लहसुन लीजिए, मार्केट का भी लाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ साथ मैंने सारे ड्राई मसालों के साथ में ऑलरेडी ये सॉल्ट ऐड करके रखा है, तो आप ये सारे डाल लीजिए इसके अंदर। और इसमें अच्छा कलर देने के लिए आप हल्का सा कलर डालिए इसके अंदर। मैं ज़रा ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ कलर वगैरह, लेकिन ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे इसलिए मैं थोड़ा सा चुटकी भर ऐड कर रही हूँ। और ये हमारी दही है, दही आपको जितनी चाहिए उतनी आप ले सकते हो, क्योंकि मैंने इसका पानी सारा निकाल लिया है, बिल्कुल मलाई की तरह ये काम करेगा। ले लीजिए, ठीक है, ये दही है। और इसको थोड़ा सा स्पाइसी, आपको पता है कि मेरे मसालों में तीखा कम रहता है, तो थोड़ा सा स्पाइसी झटका देने के लिए हम थोड़ा पैरी पैरी मसाला यूज़ करेंगे। सबको पता है कि पैरी पैरी मसाला काफ़ी तीखा होता है। चलिए अब आप इसको अच्छे से मैरिनेट कर लीजिए। हालांकि हम हाथ से ही करते हैं मैरिनेट, बट मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कि आप स्पून से भी कर लीजिए। देखिए थोड़ा टाइम लगा इसलिए मैंने बीच में थोड़ा सा रोक ली थी वीडियो को, तो आप इसको ऐसे मैरिनेट कर लीजिए। अभी हमारे घर में, हाँ तो ये आफ्टरनून के 3 o'clock हुए हैं, मैंने अभी इसको मैरिनेट करी हूँ। अब इसको हम रख लेते हैं फ्रिज में, हमको ये सब तैयारी करनी है शाम की। तो जितना मैरिनेट होगा फिर इसमें मसाला उतना ही टेस्ट देगा आपको। अब बारी है सेकेंड की, चलिए हम सेकेंड अभी बनाना शुरू करते हैं, बिकॉज अमीन को लगी है भूख, तो अमीन अभी खाने वाले हैं, तो मैं आपको अभी बता रही हूँ करके। देखिए ये लच्छे वाली प्याज मैंने लंबी लंबी कट की हूँ, और ये डाइट का बन रहा है, तो आप बिल्कुल नान के लिए घी यूज़ कीजिए, और नॉन स्टिक ले लीजिए ताकि बच्चे को घी या तेल कम लगे, क्योंकि बच्चे डाइट करते हैं तो माँ बाप डाइट ख़राब कर देते हैं।
ये देखिए ये हो रहा है सौते, तो हमको तो और करना है, तो इसके साथ में हमको दूसरी जो चीज़ ऐड करनी है आप वो ऐड कर लीजिए। अभी तक इसमें मैंने सॉल्ट नहीं डाली हूँ क्योंकि अम्मी मेरा सॉल्ट नहीं खाता है, तो अभी मैं सॉल्ट इसमें ऐड नहीं करी। हाँ ये है कि मैंने जो चटनी पीसी है उसमें सॉल्ट है, तो बस इतना ही सॉल्ट से अमीन का काम होने वाला है। पनीर ये पानी छोड़ेगा तो आप इसको थोड़ा ऐसे ही सौते कीजिए, ये थोड़ा सा अभी इसके अंदर पनीर अपना पानी छोड़ेगा इसके अंदर। ये मियो लोग के लिए भी चढ़ गया है उनका चिकन सूप विदाउट सॉल्ट। विदाउट सॉल्ट दो मियो, जिमी, लिली और साथ में अमीन, ये लोग सॉल्ट नहीं खाते हैं। माशाल्लाह देखिए आप कितना अच्छा सौते हुआ है, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसके अंदर आप, मैंने अभी तक अभी भी इसके अंदर सॉल्ट ऐड नहीं हुए हैं, जो मैंने आपको चटनी बताई वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बट ये आज चटनी बहुत स्पाइसी है तो अमीन को बहुत मज़ा आने वाला है। अब ये चटनी आप ऐसे भी कुछ चीज़ों में, जैसे आप दाल राइस बना रहे हो, खिचड़ी बना रहे हो और इडली सांभर कुछ बनाए, तो आप ये चटनी ऐसे भी बना के आप यूज़ कर सकते हो, बहुत मज़ा आएगा। स्पेशल चटनी है ये, आप ज़रूर ट्राई करना है चटनी। चलिए रेडी हो गया है, अभी मैं अमीन भाई को सर्व कर रही हूँ, तो ले लीजिए। ये डाइट वाला पनीर है, तो जो बच्चे डाइट करते हैं, जो भी लोग बच्चे बड़े जो डाइट करते हैं, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। माशाल्लाह टेस्ट भी मिलेगा और आपको इसमें कुछ फैट नहीं मिलेगा। आप बड़ी उम्र की लेडीज़ भी ये खा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर पनीर है तो प्रोटीन की कमी नहीं है, तो आप बड़ी उम्र की लेडीज़ भी ये खा सकते हैं, प्रोटीन बहुत है इसके अंदर। देखिए मैं अभी सौते करने जा रही हूँ कलेजी एंड पोटा, तो मैं इसके अंदर सबसे पहले डालूँगी टर्मरिक पाउडर, इसी के अंदर आपको सारी चीज़ें ऐड करके फिर पैन में डालना है। कोरिएंडर, ये धनिया पाउडर और बिल्कुल चुटकी भर रेड चिली और घर का बना हुआ गरम मसाला, इसी के अंदर ही आपको सॉल्ट भी ऐड करने हैं। चलिए ये हो गया। चलिए अभी ये जो हम मसाले सारे इसमें डाले थे आप इसको ऐसे मिक्स कर लीजिए, और हमने पैन में ऑलरेडी ऑयल रख चुके हैं, तो हमारा पैन का देखिए ऑयल भी गर्म हो गया है। ये सारा जो हम पार्टी में जो एकदम ड्राई वाले चीज़ें खाते हैं ना, ये उस टाइप के स्नैक्स बन रहे हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी इसके अंदर कि इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन नहीं डाली है, तो आप इसमें अदरक लहसुन मत डालिए, वो बहुत हेवी मसाला हो जाता है। और ऐसे जो मैं मसाले आपको बताई हूँ उसके साथ अगर आप इसको सौते करेंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा ये। और ये ज़रूर है कि आपके अपने हिसाब से चिल्ली पाउडर वगैरह एक्स्ट्रा डाल सकते हो, जिनको स्पाइसी पसंद है वो स्पाइसी कर सकते हो, पर मुझे स्पाइसी नहीं खाती हूँ तो इसीलिए मेरे खाने में स्पाइसी कम रहता है, टेस्ट बहुत रहता है। लेकिन आप अगर स्पाइसी चाहो तो ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा, और अदरक लहसुन का मसाला इसमें ये ड्राई वाले में मत ऐड करना। हाँ इसकी अगर आप रोटी के साथ में खाना आपको ड्राई मसाले वाला, तो आप इसके अंदर अदरक मसाला, अदरक लहसुन और प्याज, टमेटो जो भी आप यूज़ कर सकते हो मसाले में वो यूज़ करना। और ये वाला है जो हम स्नैक्स के तौर पर खाने वाले, ये ड्राई आइटम है, तो आप इसमें जो मैंने मसाले बताए हैं आप वही मसाले में इसको सौते करना। चलिए देख लीजिए, आवाज़ से तो आपको पता लग रहा होगा, इसकी शक्ल देख के भी पता लग रहा है, माशाल्लाह एकदम सौते हो चुका है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इतना सारा ऑयल है, जब आप गैस बंद करोगे तो ऑयल इसका थम जाता है, मसाले टाइप लगता है। बहुत से लोगों को ये पाव में खाना बहुत पसंद है, जो ये मसाले वाला ऑयल है ये पाव में खाना बहुत लोगों को पसंद आता है, पर मैं सिर्फ ये ड्राई वाली चीज़ें खाने वाली हूँ। तो अब मैंने बंद कर दिया है गैस, और आप देख सकते हो, देखिए जैसे ही गैस बंद हो गया ये सारा थम जाता है। देखिए मैंने आपको बताई थी ना कि मुझे ऑयल नहीं बनता है, क्योंकि बहुत से लोग ये ऑयल, ये देखिए ये जो मसाला है ना, ये मसाला अगर पाव में आप
नरम पाव में लगाओगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। मैं सिर्फ ये ड्राई वाली चीजें खाने वाली हूँ। ये रही अमीन की प्लेट, ये रही मेरी प्लेट। अब न्यूरो की प्लेट रेडी कर रही हूँ, उसके बाद हम चलते हैं टेस्टिंग के लिए। चलिए अब है बारी टेस्ट की, और आज मैं थोड़ा ही खा के आपको नहीं बोलने वाली हूँ, आज मैं ये पूरा खाने वाली हूँ, क्योंकि टेस्ट दूसरा वाला शाम को बताऊँगी और वहाँ पे आज से सारी बातें होगी। चलो बिस्मिल्लाह करो, आओ बिस्मिल्लाह कर लें। और न्यू लोग को भी अभी मैं खिलाने वाली हूँ, तो म्यू भी खुश, हम भी खुश, बच्चे भी खुश और आप भी खुश। कल कौन खाएगा? और मेरा न्यू खाएगा, जिम्मी खाएगा, लिल्लू खाएगा, मेरा ना लिल्लू, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा। ओ जिमी खाओ बाबू, जिमी का मेरा फेवरेट है ये तो। लिल्लू खा लो मेरा बच्चा, लिल्ली मेरी बहुत अच्छी बच्ची है। कम ही अब कम ही, ओह लाड़ आ रहा, देख धूम ऊपर कर दिया लाड़ आ रहा। तो हेलो, हम लोगों ने देखा था कि सुबह मैरिनेट करके रखे थे चिकन को, तो अभी देखो इसकी शक्ल माशाल्लाह हो गई है और काफी टेस्टी लग रहा है। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। चलिए मैं अब जा रही हूँ ऑयल रखने के। चलिए देखिए ये मस्त, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रही थी, रख चुकी हूँ, पर ऑयल थोड़ा गर्म होना है अभी, तो उसके बाद में हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल माशाल्लाह अच्छे से गर्म हो गया है। चलिए अभी हम लोग चिकन छोड़ते एक एक करके, बहुत ऑयल अच्छा खासा गर्म हो चुका है। जितना इसमें आ सकता है उतना मैं इसमें ऐड कर दी, डाल दी हूँ। अब हम देखते हैं कि ये कितनी देर में तैयार होता है। ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, क्योंकि हमने काफ़ी देर से इसको मैरिनेट करके रखे हैं। चलिए हमारा अभी चिकन एक वाला रेडी हो गया, अब दूसरा इसमें डालना है। तरीके से फट गया चिकन, मस्त गल के और सॉफ्ट करना, इसको कड़क नहीं करना। कड़क करोगे तो इसका सारा जो अंदर का जूस होगा वो ख़त्म हो जाएगा, तो टेस्ट नहीं आएगा हमको खाने में। और हम लोग आज पार्टी कर रहे हैं, तो रमज़ान के पहले वाली पार्टी है ये, तो इंशाल्लाह कमाई भी देखने मिलेगी। अब मैं दूसरा इसमें डाल रही हूँ। चलिए ये भी हमारे रेडी हो गए, हमारी पार्टी चली रही है, इसलिए अभी चिकन खाना ही बाकी है हमारा। काफ़ी चीज़ें हम अब तक खा चुके हैं, और इसको चलो हम थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए कुछ और ट्राई करते हैं। चाट मसाला आप इसको ज़रा सा छिड़किए ऐसे। चलिए अब ये बिल्कुल हमारा रेडी है टेस्ट के लिए। ये हमारा चिकन फ्राई रेडी हो गया, बाकी सब तो मैंने गुर्दा कलेजी सब चीज़ खा ली हम लोगों ने। अब बारी है इसकी टेस्ट करने की। ये डिश तो आपको रमज़ानों में भी बहुत मज़ा देगी। चलो मैं टेस्ट कर रही हूँ थोड़ा सा। आप सेज़वान चटनी, ग्रीन चटनी, वॉट एवर जो आपको पसंद है, सैलेड कुछ भी आप ले सकते हो, पर मुझे ये मेयो पसंद है तो मैंने थोड़ा सा मेयो लिया है। चलिए आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। सच्ची में बहुत अच्छा है, गरम गरम गरम। ये वाली जो मैं आपको बताई, ये तो हम आज पार्टी के हिसाब से बनाए, पर आप इसको रमज़ानों में ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह रमज़ानों में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगी। और काफ़ी लोगों ने मुझे नेल्स के लिए बोले थे, इंशाल्लाह ये नेल्स कल कट जाएंगे, क्योंकि परसों चांद रात होने वाली है। तो जो रूप आज मेरा, इंशाल्लाह पूरे रमज़ान आपको यही रूप में दिखूँगी। और ये ज़रूर ट्राई कीजिए, खाइए, इंजॉय कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत। और आप भी खाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए, और सत्तानी नाम से सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सबको अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, और एडवांस में रमज़ान मुबारक।